हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा। मैं आगे वीडियो में बताऊँगी क्यों मूड ऑफ है मेरा। आज मैं आप लोगों से फिर से कुछ बात करना चाहती हूँ। आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि कल हम लोग को एक बर्थडे पार्टी में जाना था। मेरी भतीजी का बच्चे का बर्थडे था, तो बहुत एक्साइटमेंट थी जाने के लिए। पूरा तैयारी कर चुकी थी, मतलब पूरा तैयार हो गई थी, पूरा तैयार हो गई थी मैं। मेकअप वगैरह सब कर ली थी, कपड़े भी पहन ली थी, बस पूरा तैयार हो गई थी। उसके बाद अब हम निकलने ही वाले थे कि बस इतना ज़ोर से बारिश शुरू हो गया, इतना तेज़ बारिश हुआ, मतलब अब तक बारिश रुक ही नहीं रहा है, इतना तेज़ बारिश हुआ। तैयार हो के पूरा अगर कहीं पर न जाइए तो आपका मूड कैसा ख़राब होता है। ऊपर से एक घंटा लगा मेकअप करने में, ऊपर से तैयार हो गई, बस निकलने के टाइम में ऐसा बारिश शुरू हुआ। और अभी बारिश क्या था, ऐसा बारिश कि मतलब तूफान आ गया। इतना हम लोग डर गए थे, मेरा तो घर सब हिलने लगा था, हम लोग को भाग गए घर छोड़ के। इतना तूफान आ गया, मतलब उस दिन से बारिश शुरू हुआ जो अभी तक रुका ही नहीं। बारिश कंटिन्यू बारिश हो ही जा रहा है, और इतना मूड ख़राब हो गया बारिश की वजह से। मेरा नया कपड़ा सब भीग चुका है, अभी उसको सुखाई भी नहीं है, धूप नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं उसमें क्या होगा, कब धूप होगा, कब सुखाऊंगी, कोई ठीक नहीं है। इतना ज़्यादा मैं खुश थी ना पार्टी में जाने के लिए, मैं क्या बताऊँ। मेरे फैमिली में भी सभी लोग आए थे, मतलब इस फैमिली मेम्बर बाहर से आए थे आसाम से, तो उन लोगों को मिले हुए मेरा 3 साल हो गया था। उन लोगों से मिलने का बहुत खुशी था, जो जाऊँगी तो मिलूँगी, सबसे बातचीत करूँगी। 3 साल से उन लोगों से नहीं मिली मैं, तो मेरा सब सोचा हुआ प्लान पानी इतना शौक की थी, मतलब इतना सोच समझ के मतलब प्लान बनाई थी, जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, सबके साथ मिलूँगी, पूरा इंजॉय करूँगी। कुछ नहीं हो पाया, मूड ही ख़राब हो गया, क्या करूँ। आप लोग यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, मतलब बहुत बारिश, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नदी में पूरा बाढ़ आ गया है, रात को तो पूरा नदी भर चुका था, अभी मतलब पानी चला गया है नदी का। मैं थोड़ा सी क्लिप ऐड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। हमारे घर के सामने ही नदी है, नदी पूरा रात को भर गया था, पूरा पानी फूल था, रात को देख के ही डर लग रहा था। इतना बारिश और ऊपर से काम करने में इतना दिक्कत हो रहा है ना, क्या बताऊँ। बारिश की वजह से मूड बहुत ख़राब हो गया है, और मैं सुबह से सोच रही हूँ वीडियो शूट करूँ, मतलब बारिश रुक ही नहीं रहा है, मैं कैसे शूट करूँ। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, पता नहीं धूप कब होगा। कल अगर धूप हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी हल्का सा रुका हुआ बारिश, तो मैं फटाफट वीडियो शूट कर ली, थोड़ा सा रील्स भी बनाई हूँ। मैं सोची जल्दी जल्दी कुछ आप लोगों से बात भी कर लूँ। ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है, जो आप पूरा तैयार हो चुके हैं और आपका अंत में मतलब जाना कैंसिल हो गया हो, कैसा लगता है आप लोगों को। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, क्या कर सकते हैं, बारिश तो अपना हाथ में नहीं है। बारिश के जैसा थोड़ा सा अगर बारिश होता, रुक जाता तो मैं चली जाती। इतना तेज़ तूफान आया था, मतलब आंधी तूफान, इतना हवा बह रहा था कि मतलब कहने के शब्द ही नहीं है, इतना हवा। मूड ही ख़राब हो गया, पता नहीं उन लोगों से कब मुलाकात हो। जो मेरा भैया भाभी आए थे आसाम से, वो लोग तो आज शायद चले गए हैं, उन लोगों से तो मिलना ही नहीं होगा। पता नहीं मैं कब जाऊँगी वहाँ पर, तो उन लोगों से मिलूँगी। बहुत मन कर रहा हूँ उसे मिलने का, तो क्या करें, मिलना लिखा ही नहीं था शायद। पता नहीं कब जाऊँगी तो उन लोगों से मिलूँगी, आप लोगों से मिलाऊँगी, इसी बात करना था आप लोगों से। और मैं डेली का ब्लॉग शूट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। थोड़ा दिक्कत होगा घर का, मतलब एक ही रूम है, ऊपर से बारिश में इतना तकलीफ हो रहा है ना, चारों तरफ पानी है, और ब्लॉग शूट करना तो होगा ही नहीं। फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो मेरा ब्लॉग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने का। मेरा मन करता है मैं डेली ब्लॉग शूट करूँ, अपना लाइफस्टाइल, अपना जो
जो मैं डेली का अपना काम करती हूँ वो सब सूट करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे अगर, तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। यही बोलना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय। ये देख सकते हो आप, नदी का पानी कुछ ऐसा है। ये देखिए, रात को तो वो जो बांध दिख रहा है ना, वहाँ तक आ गया था पानी रात को, उसके बाद ये चला गया सुबह तक। ये पानी रुकता नहीं है, जितना आता है उतना, मतलब 5-6 घंटे में चला जाता है। बहता हुआ नदी है ना, इसीलिए उतना पानी देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये देख सकते हैं नदी के उस पार में कितना सारा पेड़ पौधा है, इसीलिए मेरे घर में हवा बहुत ज़्यादा आता है। और चलिए एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मेरे घर के सामने से ये पहाड़ दिखता है। ये हमारे यहाँ का पहाड़ है, मतलब दार्जिलिंग का पहाड़ नहीं है, उसके आगे और दार्जिलिंग का पहाड़ है। ये मतलब छोटा मोटा पहाड़ है, लेकिन मेरे घर के सामने से ही दिखता है, इसीलिए यहाँ पे हवा कुछ ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, पेड़ पौधा भी बहुत है। और ये देख सकते हैं नदी का पानी कुछ ऐसा है, क्योंकि बाढ़ का पानी है ये, नहीं तो ऐसे नदी का पानी बहुत साफ होता है। ये देख सकते हैं आप लोग।